नहीं वो नहीं बना, वो बन गया होगा थोड़ा। ये देखिए भगवान शंकर इस गुफा में विराजमान है और ये इनका जो है ये लिंग है, ये ब्रह्म कमल है। ऊपर देखिए ये ब्रह्म कमल है पिथौरागढ़ में, बहुत ही साक्षात इसमें ये परीक्षा भोलेनाथ जी के, साक्षात भोलेनाथ जी का जो है मंदिर है। हाँ और ये देखिए अच्छा हाँ बैठ बैठ, चलिए पंत जी चलिए चलिए बैठ के जाइए। हाँ हाँ इसी में कर लेते हैं। तो पंत जी जो है अपना परिक्रमा कर रहे हैं। उधर उधर तक जाएगी आप? इधर तक नहीं, उधर आप दोबारा आइए दोबारा। अब वहाँ तक जाइए ऐसे घूम के। अच्छा वहाँ हाँ वहाँ तक अंदर तक जाइए। बोलो शंकर भगवान की। अब यहाँ से वापस आ जाइए। जय हो। बोल करके बताइए। हाथ लगा दो उधर को। लगा दिया। इधर ऐसे आगे से बताइए, आगे से नहीं ऐसे। जय हाँ भोलेनाथ जी की प्रतिमा ऐसे करके होती है ना, हो जाती है आधी इधर से आधी इधर, आधी इधर से आधी इधर से। जय हो। चलो आप जाओ। चलो गजब हो गया जी, गजब हो गया जी। ये देखो गुफा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये देखिए। जय हो, जय भोलेनाथ। जय हो, पिथौरागढ़ की यह बहुत अमूल्य धरोहर जो है, ऐतिहासिक मंदिर जो है। जय हो। गुफा के अंदर नीचे से भी बैठ के जाने वाला है और इसके परिक्रमा का भी बना रखा है। देखो पानी कैसे ऊपर से अद्भुत नजारा की, ब्रह्म कमल से पानी खुद ही विराजमान हो रहा है नीचे। जय हो। और 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसका आधा भाग पाताल भुवनेश्वर और आधा भाग इसका जो है पाताल भुवनेश्वर है। ये देखिए ऊपर पूरा कैसा पत्थर का बना हुआ है ये पूरा। तो हमारे उत्तराखंड में जहाँ कहते देवभूमि उत्तराखंड, यह देवताओं की पावन नगरी है। देवताओं की पावन नगरी हमारी पावन धरती उत्तराखंड है। इसलिए इस जन्म भूमि को हम सत्सर नमन करते हैं। और आप जितने भी गए हमारे मित्र लोग था, आप सब पे भगवान शंकर जी की कृपा हो और इधर दर्शन करने आओ और यहाँ दर्शन करने का भी थोड़ा आप आएंगे तो यहाँ दर्शन करके जरूर जाना, जरूर जाना। बहुत ही जो है साक्षात विश्व भोलेनाथ जी का जो है अवतार है यहाँ पे है। उनका जो है मतलब जो है जटाएं जो है ये जो है जटाएं, ये जो है जटाएं हैं ये। हाँ। ये देखिए ये जटाएं हैं, ये जटाएं हैं। इसमें परिक्रमा होती है, इसमें परिक्रमा होती है बैठ करके। हाँ। है ना, इसमें नीचे से और पानी अपना भी जो है पता नहीं चलता है कहाँ से पानी आ रहा है। और ये साक्षात जो है भोलेनाथ जी का जो है जटाओं से जो है पानी गिर रहा है। हाँ।